इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बहुत प्यास लगी, एक गिलास पानी मिलेगा? जी अभी ला रही हूँ। हनी भाई, तुमसे स्क्रैप की इम्पोर्टेंट डील करना चाहते हैं। मुझे नहीं करना है स्क्रैप का धंधा। अगर तुमने पैसे कमाने शुरू नहीं किए तो मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये कातिल जो भी है सिर्फ अकेली औरतों पे वार करता है। कौन औरत कब कहाँ कैसे अकेली रहती है ये पहले उसे पता करता है कि उसके घर में पूरी छानबीन करता है। इससे पहले ये कातिल अपना अगला शिकार करे हमें जल्द से जल्द इस अपराधी तक पहुंचना होगा। बेटा कैसे हो? चलो आ जाओ। अबू इसके अंदर क्या है? इसमें कुछ नहीं है। अब्बा आप मेरे लिए नया प्ले स्टेशन कब ला रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एक नया प्ले स्टेशन चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास है बस मेरे पास ही नहीं है। मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझे लेकर दो पर आप तो मुझे कुछ लेकर ही नहीं देते हो। बेटा तुम्हारा बाप स्क्रैप का धंधा करता है, हीरे की खदान नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? अगली बार लेके आऊंगा ना। आ गए तुम? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अपने काम की तरह मुझे भी इग्नोर कर रहे हो? हाँ खैर, हनीफ भाई का फोन आया था, कह रहे थे कि वो दुकान पे तुमसे मिलने गए थे पर तुम तो दुकान पर थे ही नहीं। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थे तुम जवाब दो। मालेगांव गया था। मालेगांव क्यों? कुछ काम था। ओ, तो तुम काम भी करते हो? क्या काम था? क्या काम था? तुम्हें जो एक काम दिया है वो तो तुमसे होता नहीं। बड़ी मुश्किल से अब्बा ने तुम्हें ये स्क्रैप के धंधे में लगवाया है लेकिन वो भी तुम नहीं करते। पूरा दिन दुकान पे ही नहीं जाते, पता नहीं कहां भटकते रहते हो। देखो अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है और ये आखिरी बार समझा रही हूं। अपनी ये आवारा गर्दी छोड़कर, वरना अगर अब्बा को मैंने तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। पता नहीं कैसा शौहर मिल गया मुझे, तो मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसे निकम्मे और बेजार इंसान के साथ मेरा निकाह करवा दिया। हाँ मैं श्रुति से बात कर लूंगी। ओके बाय बेटा। अरे 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 काम आगे जा रही है, रुक। वो कब से कॉल कर रही है, तुझे कितना बुला रही है, चलना सब साथ में जाते हैं। मम्मी मेरे स्टूडेंट्स की एग्जाम्स चल रही है, मैं आपके साथ नहीं आ सकती अमरावती। एग्जाम्स तो हर साल आते हैं लेकिन रोज रोज पल्लवी की शादी तो नहीं आती ना बेटा। एग्जाम्स जरूर हर साल आते हैं लेकिन एक ही एग्जाम हर साल नहीं आता। मेरी हैरान परेशान मम्मी, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, आप अमरावती जाने की तैयारी करो। मेरे स्टूडेंट्स के एग्जाम खत्म होते ही मैं खुद अमरावती जाके पल्लवी से मिल आऊंगी, ठीक है? स्माइल। अच्छा ठीक है, मैं सुशीला से बात कर लेती हूँ, उसे सब बता दूंगी। लेकिन ना टिकट्स बुक करनी है हमारी दोनों की। अरे बिल्कुल, आज रात को ही मैं पक्के से आपकी टिकट्स बुक कर दूंगी, ठीक है? हाँ पापा। हाँ आ गए। बेटा हमें तुम पर बहुत गर्व है, तुम बाहर काम भी करती हो, घर भी संभालती हो और फिर हम दोनों की इतनी दिन रात सेवा भी करती हो। पापा
कैसी बात कर रहे हो? आप दोनों ही तो मेरी जिंदगी के सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग पिलर हो। आप दोनों को ही तो देखकर मुझे लाइफ में कुछ करने का मोटिवेशन मिलता है। और एक बात बताइए, अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो क्या वो ये सब नहीं करता? शायद वो इतना नहीं करता बेटा जितनी सेवा तू करती है। जरूर हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया होगा। पापा, पिछले जन्म का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो आप दोनों ने कोई बुरे कर्म नहीं करे। और आप दोनों ना वर्ल्ड के सबसे बेस्ट और आइडियल पेरेंट्स हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा ना, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, आरुष की एग्जाम्स चल रही है ना, तो बहुत टाइट स्केड्यूल है, तो मैं आप लोगों से शाम को मिलती हूँ। ओके, बाय बाय पापा। बाय बेटा। अच्छा, आप तो कह रहे थे कि अगले हफ्ते आने वाले, अब कह रहे हैं अगले महीने आएंगे। हाँ, आपको तो बंबई में रहने का बहाना चाहिए। आरुष और मेरी याद नहीं आती क्या आपको? हाँ, मुझे तो लगता है बंबई में दूसरा घर बसा लिया है आपने। कैसी बातें कर रही हो कोयल, जहाँ तुम हो बस वही मेरा घर है, और मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आती है। इतनी याद आ रही होती तो सब काम छोड़ के आ जाते आप। मन तो मेरा भी करता भाग कर आ जाओ, लेकिन काम अधूरा छोड़ के नहीं आ सकता। और अब प्रमोशन मिला है तो जिम्मेदारी बढ़ गई है। बट आई प्रॉमिस, मैं जल्दी से काम खत्म करके आता हूँ। अच्छा सुनिए, आरुष की ट्यूशन टीचर आ गई है, मैं दरवाजा खोलती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है? ठीक है। हाय कोयल दी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो श्रुति? बिल्कुल अच्छी हूँ। आओ ना अंदर आओ। आयुष, आयुष परसों से एग्जाम्स है ना तुम्हारी, दिन भर मोबाइल लेकर बैठे हो, पढ़ाई कब करोगे? बुक्स कहाँ है तुम्हारे? देखो श्रुति मैम भी आ गई है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून आयुष। ये देखिए मम्मा, मैं गेम नहीं खेल रहा था, मैं तो न्यूज देख रहा था। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग न्यूज है, अभी दो दिन पहले एक औरत का नासिक में मर्डर कर दिया गया, देखिए। चुप, बहुत बोलता है। ये न्यूज चैनल वाले है ना 24/7 ऐसे ही न्यूज दिखाते रहेंगे, इस चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। परसों से एग्जाम्स है ना तुम्हारी, उसकी तैयारी करो। और वैसे भी मैथ्स के एग्जाम्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ये मर्डर मिस्ट्री नहीं। हाँ मम्मा। ओके आरुष, जाओ अपनी बुक्स लेकर आओ। तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। पता नहीं कुलदीप, कोई तो था बाहर और शायद इधर ही देख रहा था। अरे वहां तो कोई भी नहीं है, तुम्हें धोखा हुआ होगा। हो सकता है आरुष। हाँ बताओ, कल वाले टेस्ट पे तो सॉल्व किए? यस मैम, मैंने किए। गुड। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि मोटरसाइकिल की चेन से गला घोटकर हत्या की गई है। घर वालों से और पड़ोसियों से पूछताछ की? सर, महिला काफी समय से अकेली रह रही थी, तो जान पहचान वाला कोई नहीं है, और उसके पास वाला मकान भी 3 महीने पहले खाली हो चुका था। मालेगांव में भी पिछले 4 महीनों में दूसरी औरत है जिसकी इस तरीके से मोटरसाइकिल के चैन से गला घोट के हत्या हुई है, और ऐसे ही 3 मामले पिछले 3 साल में देवला जिले के पश्चिमी क्षेत्र में भी हुए। ऐसे केसेस में चैन से गला घोटना इज द मोडस ऑपरेंडी। सर, हो सकता है एक ही इंसान ने मर्डर किया हो। 5 मौतें वो भी औरतों की, और एक ही तरीके से, इत्तेफाक नहीं हो सकता। और सर, सभी औरतों की तरह ये मर्डर भी
दोपहर के 1 से 4 के बीच हुआ। दोपहर के वक्त मोस्टली औरतें घर पे अकेली रहती हैं और मर्द घर से बाहर। तुम एक काम करो, सारी औरतों की फाइल रीओपन कराओ और देवला जिला के थाने प्रभारी को कॉल करो और बाकी की सारी औरतों की डिटेल्स बताओ और ये पता करो कि इन औरतों के बीच में कुछ कॉमन है क्या। कोई ना कोई तो क्लू जरूर मिलेगा। ओके सर। अचानक ये लाइट कैसे चली गई? कौन? जी, आप कौन? जी मैं इलेक्ट्रिशियन। आपके यहाँ की लाइट गई है ना? हाँ वो अभी अभी गई है लाइट। क्या है कि पूरे एरिया का ट्रांसफॉर्मर जल गया है। आपका मीटर कहाँ है? वो वहाँ अंदर है। चलिए आपका मीटर चेक करता हूँ। हाँ ये ना अंदर है। कुछ गड़बड़ है क्या? ये बिजली कब तक आएगी? लगता है आपका मीटर ट्रिप हो चुका है, इसे बदलना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब कहाँ हैं? वो घर पर नहीं है। शाम तक लौटेंगे? नहीं वो तो अगले महीने ही वापस आएंगे, मुंबई गए हैं ना। चलिए अच्छा है ना, वैसे भी लाइट जाने के बाद बच्चे 2 मिनट से ज़्यादा कहाँ रुकते हैं। बिल्कुल सही कहा भैया आपने, आरुष होता ना तो अब तक आसमान सर पर उठा लेता। अरे लाइट गई है, कब आएगी मम्मा, और फिर लैपटॉप चार्ज करना है, यही सब कुछ। अच्छा आयुष आपके बेटे का नाम है? हाँ। बड़ा बेटा है? हाँ बस एक ही बेटा है, लेकिन बहुत स्मार्ट है, चेस क्लास जाता है, चेस में उसे बहुत शौक है। अच्छा मैम ये यहाँ से नहीं हो रहा है, आपका पावर ग्रिड चेक करना पड़ेगा। ये बिजली कब तक आएगी? अरे अजीब आदमी है। तुम्हें जो एक काम दिया है वो तो तुमसे होता नहीं। पूरा दिन दुकान पे ही नहीं जाते, पता नहीं कहां भटकते रहते हो। देखो अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पता नहीं कैसा शौहर मिल गया मुझे, तो मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसे निकम्मे और बेजार इंसान के साथ मेरा निकाह करवा दिया। निकम्मा हूं मैं, काम चोर हूं मैं, मुझे पैसा कमाना नहीं आता, यही सोचती है ना तू। अब देख मालेगांव में हो रही 2 औरतों की सनसनीखेज हत्या से पुलिस और इलाके के रहवासी दोनों स्तब्ध हैं। मामले को देखते हुए पुलिस ने भी संजीदगी से अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये सीरियल किलिंग का मुद्दा भी हो सकता है। पता नहीं क्या हो गया इस शहर को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब न्यूज खोलो तो हमेशा बुरी खबर ही आती है, कभी एक्सीडेंट कभी मर्डर। ये सब छोड़ दे, देख पहले मुझे ये बता कि फेरे में मैं कौन सी पहनूं और रिसेप्शन में कौन सी। फेरों में ये पिंक वाली पहन लो और रिसेप्शन में ये। मैं भी यही सोच रही थी, दिन के उजाले में ये पिंक साड़ी मेरे पे बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? बहुत। थैंक यू। <you. laughs>
पापा आप ना ज्यादा मत सोचो, आपको वैसे भी बीपी की प्रॉब्लम है और आप ये न्यूज चैनल लगा के बैठ जाते हो। और पापा क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, ज्यादा देर तक बच नहीं पाता, पुलिस आज नहीं तो कल उस तक पहुंच ही जाएगी, सो डोंट वरी। मैं देख, कौन था बेटा? पता नहीं मम्मी, कोई बेल बजा के जा रहा था, लेकिन जब बाहर आई तो कोई भी नहीं था। अरे पड़ोस के शैतान बच्चे होंगे, बेल मार के चले गए होंगे। इस वक्त आप लोग टेंशन मत लीजिए मम्मी पापा, चलिए कोई नहीं, कोई होगा। कुछ मिला? नहीं सर, पड़ोसी और रिश्तेदारों सबसे बातचीत की, कोई क्लू नहीं मिला। सोशल मीडिया, फोन, सब कुछ चेक किया, कहीं कुछ भी नहीं। लेकिन सर एक बात सामने आई है कि किसी ना किसी वजह से ये सारी औरतें घर पर अकेली थी। एक औरत के घर पे तो सर फुल टाइम के लिए बाई भी रहती थी, उसका बेटा छुट्टियों पर कुछ दिन के लिए घर आने वाला था तो बाई 2 दिन की छुट्टी पर गई, उसी बीच में औरत का मर्डर हो गया। इतने कम टाइम में किसी को मारना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। ये कातिल जो भी है सिर्फ अकेली औरतों पे वार करता है। कौन औरत कब कहाँ कैसे अकेली रहती है ये पहले उसे पता करता है कि उसके घर में पूरी छानबीन करता है। ये एक शातिर अपराधी है, हमें इसे पकड़ना होगा। लेकिन सर मर्डर की वजह समझ में नहीं आ रही, पैसों का लूटना या औरतों को हवस का शिकार बनाना, ये दोनों ही वजह नहीं। लगता है इसकी औरतों के साथ कुछ अलग ही दुश्मनी है। बाकी की रिपोर्ट्स भी दो मुझे। ओके सर। हेलो बेटा, ये ले, ले आए तेरे लिए प्लेस्टेशन, देख कैसा है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, मैं इसे खोल के देखूं? लाओ खोलता। ये इतना महंगा प्लेस्टेशन कहां से आया? अब्बा इसे टीवी पे चेक करते हैं। चलो। जरूर किसी से गिड़गिड़ाकर भीख मांगकर पैसे उधार लिए होंगे, है ना? लेकिन उधार लिए हुए पैसे ब्याज समेत चुकाने पड़ते हैं, उसके लिए कहां से पैसे लाओगे? काम करके पैसे कमाना तो तुम्हें आता ही नहीं है। उधार के पैसे नहीं लिए मैंने। अच्छा, उधार नहीं लिए तो किसी के घर पे चोरी की है क्या? या इस दुकान पर डाका डाल के ले आए महंगा प्लेस्टेशन? हनी भाई तुमसे स्टेप की इम्पोर्टेंट डील करना चाहते हैं, लेकिन ना ही तुम उसे मिल रहे हो और ना ही उनका फोन उठा रहे हो। मुझे नहीं करना है स्क्रैप का धंधा। वाह, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तेल के कुएं हैं तुम्हारे नाम पर और हीरे की खदानें हैं तुम्हारे अब्बा के नाम पर। काम पसंद ना पसंद का मोहताज नहीं होता, अगर जिंदगी पैसे की मोहताज होती, अगर आज अब्बा ने हमें यह काम ना दिया होता ना, तो हम रास्ते में भीख मांग रहे होते। मैं तुम्हें धमकी दे रही हूं, इसे हल्के में मत लो। अगर तुमने काम कर पैसे कमाने शुरू नहीं किए तो मैं अपने बेटे को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊं। No, no, no.
घर बैठे बैठे बहुत जुबान चलती है ना, शोहर से बात करने की तमीज नहीं है। तुम सबको तमीज सिखाने का बस एक ही तरीका है, क्यों ना तुम सबकी जुबान ही बंद कर दी जाए। मैं तुम सबकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, सबकी। दुनिया में दो प्रकार के अपराधी होते हैं, एक जो हालात की वजह से अपराधी बन जाते हैं, तो दूसरे जिन्हें अपराध करने में बड़ा मजा आता है। ये जो दूसरे किस्म के अपराधी हैं ना, वो खतरनाक शिकारी की तरह होते हैं। उनकी चालाक निगाहें हर वक्त ढूंढती रहती है कि उन्हें उनका अगला शिकार कब और कैसे मिलेगा। सोच समझ कर अपराध करने वाले ये लोग शिकार के बेबसी, बेफिक्री, लापरवाही का फायदा उठाकर अपने अपराध अंजाम देते हैं, और वो अपने शिकार तक बड़ी आसानी से पहुंच भी जाते हैं। जैसे इस वक्त मौलिक अपने अगले शिकार का जायजा लेने अकेली रहने वाले महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर अपना शिकार बना रहा था। वो औरतें जो अकेली थी, बेफिक्र थी और इस अपराध के दस्तक से अनजान भी। सिलसिलेवार हो रहे इन हत्याओं ने पुलिस की नींद उड़ा कर रख दी थी। ना ही पुलिस और ना ही शिकार को यह पता था कि मौलिक अगला अपराध कब, कैसे और कहां करेगा। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। मम्मी, एग्जाम्स की वजह से ट्यूशन मिस नहीं कर सकती, वरना स्टेशन छोड़ने के लिए जरूर चलती आप दोनों के साथ। बेटा तू चिंता बिल्कुल मत करना, हम चले जाएंगे। पक्का ना? हाँ। अच्छा बाबा, आपका फोन दो। ये देखो, ये ना आपके टिकट्स हैं और ये सीट नंबर है, ठीक है? जब टीसी आएगा ना, तो उसको आप यही मैसेज दिखा देना। ठीक है बेटा। बेटा, तुम्हें पूरे हफ्ते अकेले रहना है, तो अपना पूरा ध्यान रखना और होशियारी से रहना। तुमने फोर्स किया है इसलिए मैं जा रहा हूँ, वरना तुझे अकेले छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बेटा। पापा, ऐसे दिल छोटा करके नहीं जाते, खुशी खुशी जाओ, मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख लूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों मेरी वजह से शादी मिस करें। मेरे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स है ना, वरना मैं चलती आप लोगों के साथ। और वहाँ इंदौर वाले बुआ जी और ताऊ जी भी तो आ रहे हैं ना, इसी बहाने आप दोनों का पूरी फैमिली से मिलना हो जाएगा। और पापा, मैं ना बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सकती हूँ, आपका भी। बेटा, तू कितनी भी बड़ी हो जा, लेकिन हमारे तो बच्ची ही रहेगी ना। और देख, अपना मोबाइल हमेशा फुल चार्ज रखना और हमेशा अपने पास ही रखना। पापा बस अब ये पकड़ो और अब जाओ, वरना मेरी वजह से आप लोग ट्रेन मिस कर दोगे। सही कह रही है। चलो बाय। ओ मेरी प्यारी बेटी, ध्यान से जाना और ट्रेन में बैठ के मुझे कॉल करना नहीं भूलना, ठीक है? ठीक ठीक है बेटा। बाय बाय बेटा, ध्यान से जाना। हाँ। अच्छा आता ही नहीं है टीवी में आजकल। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे कौन है, कौन है? किसी ने बेल बजाई लेकिन जब खोल के देखा तो कोई भी नहीं था। अरे पड़ोस के शैतान बच्चे होंगे, बेल मार के चले गए होंगे। इस वक्त कौन है? कौन कौन है?
मैडम मैडम क्या मैडम, मैं कब से बेल बजाया जा रहा हूँ आपको सुनाई नहीं देता, कब से दरवाजा पीट रहा हूँ लेकिन किसी ने खोला नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। सॉरी भैया। अच्छा ये श्रुति आपका नाम है? हाँ। ये आपके लिए कुरियर। मेरे लिए? और ये यहाँ पे आपके लिए साइन कर दीजिए। थैंक यू भैया। यू वेलकम मैम। क्या साहब ऐसे क्या गाड़ी चलाते हो जो बार बार चेन खराब हो जाती है, थोड़ा संभाल के चलाया करो। चुप कर, दिमाग मत लगा, जो काम बोला है ना वो कर। सर पर चोट कैसे लगी? वो खंबे से बाइक टकरा गई थी। अब तुमसे गाड़ी भी नहीं चलती ठीक से, कहीं शराब और आपकी लत तो नहीं लगा रही तुमने? अम्मी अम्मी आई बेटा। मम्मा मैं आज चेस क्लास के बाद राजू के घर जाऊंगा। एंड हाँ मम्मा, मुझे थोड़ी सी देर भी होगी लौटने में। ठीक है, ध्यान से जाना और टाइम पर आ जाना। जी मम्मा। आप तो इलेक्ट्रिशियन हो ना? जी मैम, वो आपका मीटर फिर से चेक करना है। लेकिन कुछ दिन पहले ही तो आपने चेक किया था। क्या है कि मैम, वो कुछ लोगों की कंप्लेंट आई है, उनका मीटर भी तेज चल रहा है और बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा है, इसलिए रीचेकिंग का ऑर्डर आया है। हाँ हमारा भी बिल ज्यादा आ रहा है, आप एक बार मीटर चेक कर लीजिए। हाँ श्रुति, कोयल दी, क्या हो गया आपको? मम्मा, कोयल दी, मम्मा,
पापा। आरुष आरुष नहीं, आरुष आरुष नहीं, संभालो आरुष आरुष, पापा को फोन लगाओ, पापा को फोन लगाओ। मोटरसाइकिल की चेन, दोपहर का वक्त, अकेली औरत, सेम पैटर्न, आखिर ये हो क्या रहा है? सर, रो रो के बच्चे का भी बुरा हाल था, एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। सर मैं आशा, मुझे आपको कुछ बताना है। सर मैं जानती हूँ उस औरत का मर्डर किसने किया था। What? सर मैं उसका नाम पता तो नहीं जानती, लेकिन मुझे पक्का यकीन है ये उसी राक्षस का काम है जिसने दो दिन पहले मुझ पे हमला किया था। हमला किया किसने? सर दो दिन पहले मैं अपने घर में काम कर रही थी, इतने में एक आदमी आया और उसने मेरे गले में चेन डाल दिया और उसने मेरा गला घोटने की कोशिश की। मैंने भी उस पे वार किया और जैसे उसको चोट लगा सर मैं वहाँ से भाग गया। तुमने देखा वो कैसा दिखता था? सर मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा। आपने बहुत अच्छा किया। आप एक काम कीजिए, आप कुछ दिनों के लिए अपने किसी सहेली या रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए और कोई भी बात हो मुझे तुरंत कॉल कीजिए। आपका ऐसा अकेला रहना ठीक नहीं है। एक काम करो, किसी को बोल के इन्हें घर छुपा दो। जी मैम आइए। मिस्टर सिथिर, क्या पुलिस स्टेशन आ सकते? मिस्टर सिथिर माफ कीजिए, आपको इतना अर्जेंट में यहाँ बुलवाया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछना जरूरी है। श्योर सर, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आरुष मुझे एक बात बताओ, बीते कुछ दिनों में तुमने अपने घर के आसपास किसी ऐसे संदिग्ध इंसान को देखा या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे तुम्हारे घर के आसपास नहीं होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं था और ना ही कोई हमारे घर आया। लेकिन हाँ सर, उस दिन जब मैं चेस क्लास के लिए निकला था तो मैंने मेरे घर के बाहर एक रेड बाइक पर रेड हेलमेट लगाए हुए एक आदमी को देखा था, हमारे घर के बाहर। और सर इम्पोर्टेंट बात यह थी कि जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने अपना मुँह चुरा लिया। दैट्स इट, यही आदमी है। He is the same man. सुनो, जितनी भी औरतों के मर्डर हुए ना, उन सब के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकलवा। ओके सर। ये रेड बाइक कहीं ना कहीं तो जरूर दिखेगी। And thank you so much for your help. आपको कोयल या उस दिन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी पर भी शक हो, आप प्लीज मुझे जरूर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच। इससे पहले ये कातिल अपना अगला शिकार करे, हमें जल्द से जल्द इस अपराधी तक पहुंचना होगा। मैम पुलिस को भी यकीन है कि वो रेड बाइक वाला और रेड हेलमेट वाला ही सीरियल किलर है। मैम उन्होंने उसे ढूंढना भी शुरू कर दिया। आरुष वो रेड बाइक तो मैंने तुम्हारे घर के बाहर भी देखी थी उस दिन। वही रेड बाइक मैंने अपने घर के बाहर भी देखी थी जब मम्मी पापा जा रहे थे। आरुष यू नो कुछ दिनों से ना कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं, मतलब कोई डोरबेल बजा के चला जाता है और जब मैं खोलने के लिए जाती हूँ तो कोई नहीं होता। इसका मतलब है कि वो किलर घर पे नजर रखे हुए हैं। मैम आप घर पे इस वक्त अकेली हैं, एक काम कीजिए आप फौरन हमारे घर आ जाइए, हम यहाँ से पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ मैं अभी आती हूँ। Thank you.
रमन, हमारे साथ हो रहे हर दुर्घटना की आशंका हमें पहले ही देता है, लेकिन हम, हमारे परिवार वाले और हमारे दोस्त इस बात को नजरअंदाज करते हैं और ये कहते हैं, अरे इतना क्या सोच रही है, इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। श्रुति के मन में जो शक और शंका ने जन्म ली थी वो बिल्कुल जायज थी। अगर वो इन बातों को नजरअंदाज नहीं करती तो मौलिक का अगला शिकार बनने से वो बच जाती, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके माता पिता को अपनी इकलौती और होनहार बच्ची को खोना पड़ा। अगर वक्त रहते वो सतर्क हो जाती तो शायद मौलिक को पकड़ने में वो कामयाब भी हो जाती, लेकिन आज एक शिकारी दरिंदा फिर से लोगों को चकमा देकर निकल गया। महिलाओं की जो ये हत्याएं हो रही थी, क्या ये सिलसिला यही रुक जाएगा या नहीं, आइए देखते हैं। श्रुति, कहाँ छोड़ के चली गई, मुझे ले वापस। काश काश मैं तेरी बात नहीं मानता और यही रुक जाता तो शायद उसके साथ ये नहीं होता। मिस्टर प्रवीण, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मुझे पता है कि आप अभी बोलने की हालत में नहीं है, लेकिन हमारे कुछ सवाल है। क्या आपने अपने घर के आसपास किसी संदिग्ध इंसान को देखा या फिर कोई ऐसी चीज जो आप हमें बताना चाहते हैं? मैं क्या बताऊं सर, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी श्रुति के साथ ऐसा कुछ हो। वो बहुत जिम्मेदार लड़की थी, पढ़ी लिखी सशक्त लड़की थी, उसके साथ ऐसा क्यों हो? सर, जब एक इंसान शिकारी भेड़िया बन जाता है तो किसी का सशक्त या कमजोर होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इस भेड़े के खाल में जो भी है मैं उसे बेनकाब करके कड़ी से कड़ी सजा जरूर दिलाऊंगा। एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू यू सर। हौसला रखिए सर। डेवला में विक्टिम औरतों के घर के पास जो पेट्रोल पंप है उसके सीसीटीवी में भी ये रेड बाइक वाला बहुत बार देखने को मिला है, और एक फुटेज में तो उसकी शक्ल भी दिख रही है। इस फुटेज को क्लीन करवा के इसका स्केच बनवाओ, तब तक एरिया के सारे मैकेनिक को राउंड अप करते हैं। चलो। ओके सर। गाड़ी का नंबर मिल गया है, गाड़ी का एड्रेस देवला जिले में। ओके, इस गाड़ी के ओनर का नंबर पता करो और उसकी जीपीएस लोकेशन ट्रेस करो फास्ट। ओके सर। हाँ सर, मेरे गैरेज पे आता था अपनी बाइक की चेन बदलने, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सर, अपराधी का डिजिटल स्केच रेडी है। सर, उसका जीपीएस लोकेशन ट्रेस किया, वो देवला के ही किसी इलाके में घूम रहा है। मतलब इसका अगला शिकार यही है। दीदी, आपके घर का भी मीटर खराब है, अब आपका मीटर भी सही करने तो आना पड़ेगा।
पकड़ो से पकड़ो। लेके चलो इस हैवान को लॉकअप में, वहीं इसकी आरती उतारेंगे। चला चल। बोल। हाँ, मैंने ही मारा सबको, सबका मोटरसाइकिल की चेन से गला घोंट दिया। वो तो हमें भी पता, ये बता कि तूने औरतों को मारा क्यों? मुझे नफरत है औरतों से, सारी औरतों से, और खासकर मेरी बीवी से। दिन रात मुझे मुझे बेजार निकम्मा कामचोर समझती है। मेरे ही बेटे के सामने मुझे कुत्तों जैसी इज्जत देती है। उसके इसी तानों और जलालत से मैंने फैसला किया कि मैं औरतों को खत्म कर दूंगा और इस जमीन से औरत को हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। दुश्मनी बीवी से और बदला लिया बाकी औरतों से। अगर बीवी परेशान करती है तो दुनिया की सारी औरतों को मार देगा। तेरी इस घटिया सोच और हैवानियत की वजह से कितने परिवार उजड़ गए, कितने बच्चों ने अपनी माँ और कितने माँ बाप ने अपनी बेटियां तेरी वजह से खो दी। क्या हक था तुझे, हाँ क्या हक था तुझे उनकी जान लेने का? मैं उन लोगों की खोई हुई खुशियां तो नहीं लौटा सकता, लेकिन आई विल इंश्योर कि तुझे कम से कम फांसी की सजा तो जरूर हो, ताकि दोबारा कोई ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत ना करे। एक ही तरीके से पिछले 7 सालों में मौलिक ने 15 औरतों को अपना शिकार बनाया और इसके पीछे कोई ठोस कारण या वजह नहीं था, थी तो सिर्फ एक सनद, एक ऐसी सनद जिसकी वजह से कई मासूम औरतों और लड़कियों को उसने मौत के घाट उतार दिया। मौलिक जैसे विक्षिप्त मानसिकता के लोग ही सीरियल किलर्स या फिर सनकी खूनी बनते हैं, अपराध करके बच निकलने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं और यही भावना उन्हें अगला अपराध करने के लिए प्रेरित भी करता है। ये हमारे समाज में गुमनाम चेहरे बनकर घूमते रहते हैं जो किसी की नजर में नहीं आते और बड़ी आसानी से अपराध करके बच निकलते हैं। इसलिए ये अब मेरी, आपकी, हम सबकी जवाबदारी है कि विक्षिप्त मानसिकता के पीछे पनप रहे अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे लोगों को हम समझे, जाने, पुलिस में उनके बारे में कंप्लेन करें ताकि किसी भी मासूम का हत्या होने से हम रोक सके। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक नई और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सतर्क रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।